नमस्कार दोस्तों, दुनिया के महान लेग स्पिनर में से एक ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में जो काम किया है उसे हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। दुनिया भर में हर रोज कहीं ना कहीं क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन शेन वॉन ने आज ही के दिन 1993 में जो गेंद फेंकी थी उसे आज भी याद किया जाता है और आगे आने वाले कई वर्षों तक उस गेंद को याद किया जाता रहेगा, और यही रीजन है कि उसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी थी वो गेंद, किस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी थी, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मैजिकल बॉल के बारे में। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मिलती रहे क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। अब दोस्तों, खास बात यह थी कि शेन वॉन ने इस उपलब्धि को इंग्लैंड के खिलाफ एशियन सीरीज में ही हासिल किया था, जो कि दोस्तों हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले से कम नहीं है। एशियन सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द क्रिकेट लीग, इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। इतने साल होने के बाद भी आज फिर आईसीसी ने उस बॉल को याद किया है और अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इसी से उस गेंद की महानता को दोस्तों आज भी समझा जा सकता है। चलिए जरा उस गेंद के बारे में बात कर लेते हैं। भाई शेन वॉन ने जिस गेंद पर माइक गेटिंग को आउट किया था, ये गेंद वाइड लेग पर लगी, लेकिन इतनी घूमी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक गेटिंग के ऑफ स्टंप पर जाकर लगी। बल्लेबाज माइक गेटिंग को भैया समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। वो आउट होने के बाद भी कुछ देर तक खड़े रहे और गेंद की स्पिन को समझने की कोशिश करते रहे। ये वाकया दोस्तों जितनी बार भी देखा जाए वो कम है। आईसीसी ने आज उस बड़े पल को याद करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि इस दिन 1993 में दुनिया ने शेन वॉन की बॉल ऑफ द सेंचुरी देखी थी। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 289 रन बनाए थे और ये मेजबान टीम की पारी में था जब शेन वॉन ने माइक गेटिंग को आउट किया था। दुनिया के महान मिस्ट्री स्पिनर शेन वॉन पहली और दूसरी दोनों ही पारियों में चार चार विकेट चटकाने में सक्सेसफुल रहे थे और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को 197 रन की बड़ी जीत दर्ज हुई थी। स्पिन के दिग्गज शेन वॉन का 4 मार्च को थाईलैंड में निधन हो गया। उन्होंने 1990 में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू किया था और आते ही अपनी गजब की गेंदबाजी से वो छा चुके थे। एक बार फिर आपको बता दें कि वॉन ने ये गेंद 1993 में फेंकी थी। इसके बाद साल 2007 तक वे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे। इतने लंबे समय तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जुड़े रहे। बाकी गेंदबाजों को तो छोड़े, खुद शेन वॉन भी उस तरीके की गेंद दोबारा डालने में सक्सेसफुल नहीं हुए। वॉन ने कुल मिलाकर 700 टेस्ट क्रिकेट लिए हैं और वे यहां तक पहुंचने वाले पहले गेंदबाज भी हैं। इसके अलावा उन्होंने ओडीआई मैचों में 293 विकेट्स अपने नाम किए हैं, साथ ही साथ 11 ओडीआई मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी करी है, जिसमें से 10 मैचेस वे जीते हैं और सिर्फ एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, आज इस लेजेंडरी स्पिनर को हम सभी सलाम करते हैं और अगर आप भी शेन वॉन के फैन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उनकी बेस्ट मेमोरी हमसे साझा जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की एक और अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।